नवागांव खुर्द के किसान शत्रुघ्न साहू से साझा तहसीलदार के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज की गई है। वहीं दिव्यांग तहसीलदार ने भी थाने में किसान के खिलाफ शिकायत की है। प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई करने के पुलिस को निर्देश भी दिए गए हैं। मामले को तूल पकड़ता देख साझा तहसीलदार प्रफुल्ल रचक ने सफाई देते हुए कहा कि किसान के साथ किसी भी प्रकार की हाथापाई नहीं की गई है। उस पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जमीन संबंधी कार्रवाई से बचने के लिए किसान कुछ लोगों के संरक्षण में इस तरह की शिकायत कर रहा है। हमारे घिसे से लेख के वहाँ मारपीट करके फिर तब मैं प्राण बचा करे तब थाना दारमपुर है तो कोई यही है। थाना के अंदर मार पे खून एकदम नाक कान पूरा फूट गया। कब्जे की नियत से बड़ा घर बड़ा घेरा कर लिया था वहाँ पे, वो सरपंच प्रस्ताव पारित कर दिया था और उसके बाद हम लोग उसका कब्जा हटाने के लिए, जब कब्जा हटा रहे उस दौरान ना वो गाँव वालों के साथ और सरपंच के साथ यहाँ तक कि मेरे को भी ना धमकी दिया हो जो भी मेरा कब्जा तोड़ेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज।